नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। गढ़वा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर भवनाथपुर के सिंघीताली में पुलिस के नाक के नीचे अंधविश्वास का बड़ा खेल चल रहा है। इस अंधविश्वास के जाल में प्रतिदिन सैकड़ों लोग फंस कर आपस में उलझ कर झगड़ा झंझट से लेकर शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। सरकारी कानून हो या जिला प्रशासन, समय समय पर आम लोगों के बीच में अंधविश्वास के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए विधिक प्राधिकार सेवा या पुलिस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन भवनाथपुर में पुलिस के नाक के नीचे अंधविश्वास का बड़ा खेल चल रहा है। इस अंधविश्वास के जाल में प्रतिदिन सैकड़ों लोग फंस कर आपस में उलझ कर झगड़ा झंझट से शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से नुकसान उठा रहे हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले मालामाल हो रहे हैं। भवनाथपुर प्रखंड के सिंघीताली में महिला भक्ति अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। सिर्फ सिंघीताली ही नहीं, अरसली उत्तरी के झुमरी रोहिनिया में भी डायन भूत के नाम पर अंधविश्वास का को बढ़ावा देकर लोगों को ठगा जा रहा है। सिंघीताली के भुइया टोली में रविवार को छोड़कर बाकी दिन डायन भूत के नाम पर अंधविश्वास का खेल चलता है। इस अंधविश्वास में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के डायन भूत प्रेत से पीड़ित परिवार आते हैं, जहाँ उनका इलाज महिला भक्तिन के द्वारा किया जाता है। महिला भक्तिन के सामने MBBS डॉक्टर भी फेल। झारखंड किसी भी डॉक्टर के पास यदि जाए तो होता है एक दिन में या दो दिन में इलाज कराकर लोग लौट चले आते हैं, लेकिन गढ़वा जिला के भवनाथपुर प्रखंड के सिंघीताली गांव में डायन भूत के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली एक महिला भक्तिन के पास कोई पीड़ित परिवार जाता है तो एक दिन क्या तीन दिन तक नंबर का इंतजार करना पड़ता है। भक्तिन के पास पर्चा से नंबर लगाया जाता है और नंबर के अनुसार ही लोगों से मिलती है। गांव के यत्र तत्र लोग बुलेरो, कार, टेम्पो, स्कॉर्पियो से इंतजार करते मिल जाएंगे। जिस डायन भूत प्रेत से पीड़ित परिवार भक्तिन के पास डलिया लगवाने जाता है उससे या कड़ा लगाने वालों से मनमानी रकम वसूली जाती है। जिला निवासी रामेश्वर रजवार, सुरेश रजवार ने बताया, सुबह से आए हैं, डलिया लगवाना है लेकिन नंबर नहीं मिला है। जबकि एक व्यक्ति ने नाम नहीं बताया, बोला 62 नंबर मिला है, देखिए कब तक भेंट होता है। महिला भक्तिन का जलवा। सिंघीताली गांव की महिला भक्तिन का जलवा देखते ही बनता है। कार से चलती है, साथ में महिला साथियों को भी रखती है। बेखौफ होकर अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लूटती है। जलवा तो ऐसा है, सब कुछ जानते हुए भी सरकारी कानून वाले अधिकारी जाने से सोचते हैं। कहती है, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, हम तो भगवान का भजन करते हैं, तो डर किस बात का। भवनाथपुर पुलिस कई बार इसके अंधविश्वास के खेल को खत्म करने का प्रयास किया है लेकिन सफल नहीं हो पाए हैं। पिछले 3 वर्षों से आधा दर्जन से अधिक बार बाहर से आने वाले लोगों को पुलिस ने खदेड़ा था, लेकिन कुछ दिनों तक शांत रहने पर फिर से खेल शुरू हो जाता है। क्या कहती है पुलिस? थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है अंधविश्वास का खेल होता है, बहुत जल्द ही इस खेल को खत्म कर दिया जाएगा। कहा, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई किया जाएगा। कहाँ से आप लोग आए? क्या नाम हुआ? कहे लिया है? कहे लिया है? यहाँ डलिया लगता है क्या? लगा है जरा उन्हें भक्तिन के यहाँ। आप कहाँ से आए? क्या नाम हुआ? सुरेश। आप भी यही काम में आए?